कॉनिक सेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जनरेटर लाइन है। किसी फिक्स्ड एंगल अल्फा पर अगर मैं इसके अराउंड रोटेट करती हूँ तो मुझे एक सरफेस मिलता है, कुछ ऐसे सरफेस मिलेगा, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर होलोकोन। ये लोअर नैप है और ये अपर नैप है। उसके बाद अगर मैं किसी प्लेन को इंटरसेक्ट कराऊँ तो मुझे कॉनिक सेक्शन मिलेंगे, और प्लेन का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ होता है बीटा। अगर मैं बीटा को 90 डिग्री ले लेती हूँ तो मुझे सर्कल मिलता है। आप लोअर नेप पे भी कर सकते हो और अपर नेप पे भी कर सकते हो, और हमें कुछ ऐसा। उसके बाद मैम, अगर बीटा हमारा अल्फा से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी थोड़ा सा टिल्ट करके है, तो हमें जो शेप मिलेगी वो मिलेगी कर्व, मिलेगा एलिप्स, और वो हम इसे ऐसे देख सकते कटआउट। बाद नाम, अगर मेरा अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं, यानी जनरेटर लाइन के पैरेलल मैं प्लेन को इंटरसेक्ट करवाती हूँ, तो मुझे पैराबोला मिलता है। और पैराबोला हमने ऐसे शो किया। उसके बाद अगर हमारा बीटा 0 डिग्री है और अल्फा से कम है, तो हमें मिलता है हाइपरबोला। वो कुछ ऐसे बनेगा, वो लोअर नेप और अपर नेप दोनों को कट करेगा, और वो हमने ऐसे शो किया। और इन्हीं चीज़ों को हमने चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। ये आपके कॉनिक सेक्शंस हैं और ये डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शंस हैं। डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शन हमें तब मिलते हैं जब प्लेन कट करती है वर्टेक्स को। और मैम, ये ट्रेसिंग है सर, ट्रेसिंग ये एक्सिस और ये लाइन हमारी जनरेटर लाइन, तो इसको रोटेट कराएंगे, इसके रोड ये 3D स्ट्रक्चर मिलता है, वो डबल कोन मिलता है, और ऐसे में यहाँ पर एक हाइपरबोला भी मिलता है। ये हाइपरबोला नहीं, ये डबल कोन हमारा कुछ इस तरह से मैंने बनाया है कि सारे जनरेटर हो गए, उनको रोटेट कराया तो डबल कोन फॉर्म हो गया हमारा, और थोड़ा सा लूज रखें तो हमारे पास ये हाइपरबोला मिल के आता है इधर साइड में, एक इधर साइड में। अब इस डबल कोन को जब हम कट करते हैं तो सेक्शंस जो आपको बताएंगे वो सारे मिलते हैं। अब इसकी ट्रेसिंग है, लोकस के बेस पर है। जैसे सर्कल होता है, सर्कल एक फिक्स पॉइंट पे जो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है उसका लोकस हो गया उस पॉइंट पर। ऐसे एलिप्स जो है वो दो फिक्स पॉइंट होते हैं और इसका डिस्टेंस मूविंग पॉइंट का दोनों से जो सम होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, उससे हमारा ये एलिप्स ट्रेस होता है। और ये वो पाथ है जो छोटे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी ट्रेस करता है, और बड़े से बड़ा पार्टिकल ब्रह्मांड में जितने प्लैनेट्स हैं वो सारे इसी को ट्रेस करते हैं। चंद्रयान भी इसी पाथ पे मूव करके वहाँ पहुँचा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये पैराबोला की ट्रेसिंग है। पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है, उसका पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट और एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स जिसको कहते हैं फिक्स लाइन, दोनों से इक्वल डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों को इक्वल डिस्टेंस करके इसकी ट्रेसिंग की गई है। और ये ट्रेसिंग, ये ट्रायंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ से डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है जिसका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का लोकस चल रहा है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है ये कि वर्टेक्स के लोकस से ये जो ट्रेस हो रहा है ये पैराबोला है। हाइपरबोला को भी हम उसी सेंट्रिसिटी के बेस पर, ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। इसकी सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। ये मैंने 3 यूनिट यहाँ लिया हुआ है, इसका डिस्टेंस यहाँ 2 यूनिट, तो 3/2 मतलब 1.5, मोर देन 1 सेंट्रिसिटी है। अब इस पॉइंट को हमने क्या किया, जितना डिस्टेंस ये है इसको यहाँ ट्रेस किया, कट मारा, एक ये ट्रायंगल बन गया हमारा 2:3 का रेशियो है, परपेंडिकुलर 3 बेस 2, तो 3:2 का रेशियो हो गया। और इसी के सिमिलर ट्रायंगल मैंने ये ट्रेस किए दूसरे, ये सारे ट्रायंगल सिमिलर हैं, जिससे कि हाइट और बेस का रेशियो 3:2 का रहेगा। उससे फोकस से मार्किंग करते चले गए और ये हमारा ट्रेस हो गया है हाइपरबोला। थैंक यू, वेरी नाइस।